हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल क्वीन। आज मैं बनाने वाली हूँ कीटो बर्गर, अनुपमा स्पेशल कीटो बर्गर। कीटो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में उबले हुए आलू को डाला है, एक कप, और उबली हुई दाल एक कप। और अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। और उसके बाद मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करूँगी, इसे भी मिक्स कर लें। और 3 से 4 टीस्पून मैदा डालें ताकि हमारी पैटीज अच्छे से बने। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसके स्मॉल स्मॉल पैटीज बनाऊंगी कुछ इस तरह से। बनाने से पहले हथेलियों पर थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरह से बना लीजिए और एक पैन में इसे ट्रांसफर कर लें। ऐसे ही कर सभी पैटीज बना लें और इसे थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए मीडियम फ्लेम में। ये हमारा मेन कोस्ट है कीटो बर्गर के लिए। देखिए, हमारे पैटीज बनकर तैयार हैं। चलिए अब हम कीटो बर्गर बनाते हैं। मैंने यहाँ पर कैबेज लिया है, इसके अंदर मैं हमारी पैटी को रखूंगी और उसके ऊपर शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, कुकुम्बर और टोमेटोस का स्लाइस ऊपर रखूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें चीज ऐड करूंगी। इसे फोल्ड कर लें और टूथपिक की मदद से अच्छे से क्लोज कर लें, क्योंकि फ्राई करने के वक्त हमारी जो सब्जी है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कुछ इस तरह से। और उसे एक पैन में अच्छे से फ्राई कर लें 3 से 4 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी आसानी से बेक कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। ये देखिए, हमारे कीटो बर्गर बनकर रेडी हैं आफ्टर 3 मिनट्स। और उसे साइड में निकाल लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस के साथ खा रही हूँ इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पर्पल।